ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है के तो आज की रीडिंग 18 प्लस है और अगर आप 18 प्लस तो देखें आई गॉट द गाइडेंस ऑफ दिस वीडियो दट मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ काफी टाइम से मैं 18 प्लस रीडिंग्स अवॉइड कर रही थी बट आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट के बाद आई गॉट सम गाइडेंस और <laughs> तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं सो so, आज हम सीक्रेट थॉट्स के ऊपर बात करेंगे चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, ठीक है थीके? तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड सोच लीजिएगा इफ आप um, किसी सेपरेशन में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप डिवोर्स कंडीशन में फंसे हुए हैं दिस इज ऑल अबाउट योर सीक्रेट फीलिंग्स योर पार्टनर सीक्रेट फीलिंग ठीक है चाहे आपके पार्टनर कोई भी है ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह है फाइल नंबर वन जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिस इज फॉर फाइल नंबर वन एंड दिस इज फॉर फाइल नंबर टू जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में आपने अपने पर्सन का या फिर उस इंसान का बर्थडे मंथ पिक करना है जिस पर्सन के सीक्रेट थॉट्स आपने जानने हैं ठीक है उसी पर्सन का आपने बर्थ मंथ पिक करना है जिस पर्सन के थॉट्स आपने जानने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर वन से प्लीज ठीक से देखिएगा ओके हाय हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर वन पीपल तो अगर आप लोगों का बर्थ मंथ ये कुछ है आपके पर्सन के या फिर उस पर्सन के जिनके आप सीक्रेट थॉट जानना चाहते हैं तो ये है आप लोगों की रीडिंग चलिए चेक करने की कोशिश करते हैं वट्स द सीक्रेट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के ठीक है जी चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ हम देखेंगे यहाँ कार्ड्स की मदद से कुछ हम देखेंगे uh, messages की तरफ से, कुछ हम सेक्शुअल uh, डेक से भी निकालेंगे आपके कार्ड्स एंड टाइमिंग्स भी देखने वाले हम लोग ठीक है एंड लव ऑर्कल्स भी देखेंगे हम <laughs> मैं सब बता रही हूँ आपको एंड ट्रू लव ऑरिकल से भी निकालेंगे उनकी एनर्जीज़ ठीक है तो काफी खूबसूरत होने वाली है रीडिंग चलिए चेक करते हैं फॉर द पायल नंबर वन पीपल आपके पर्सन का बर्थ मंथ जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ओके क्वीन ऑफ काव नॉट बैड चलो चार निकाल लेती हूँ मेरे साथ ऐसा ना बहुत बार होता है मैं निकालने की कोशिश करती हूँ दो तीन निकलते हैं ज्यादा आई होप आपको सारे कार्ड्स ठीक तरीके से विजिबल है आपके पर्सन का जोडिय हो सकता है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हम्म hmm. ट गो कैप्रिकॉन जिमनाइ टॉरिस एंड कैंसर मुझे बेहिजाब महसूस हो रहे हैं ठीक है आप और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो आपको ऐसा लगता है कि बहुत डिफरेंट है मतलब बहुत ही डिवाइनिक है आपके और इस पर्सन के बीच की जो ये जो बातें हैं वो आपने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं करी या जिस भी बंदे के लिए आप अभी ये रीडिंग देख रहे हो ना इस पर्सन के साथ का जैसा कनेक्शन है वैसा कनेक्शन आज तक आपने कभी किसी के साथ महसूस नहीं किया आपको एक अलग सा ही वाइब्रेशन फील होता है आपको अलग सी पॉजिटिविटी फील होती है आपको ऐसा लगता है जैसे कि एक दूसरी दुनिया में आ गई हो खुशी ओ भरी मतलब मेरे को बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है <coughs> ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके ड्रीम पर्सन है बिकॉज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में आप इस पर्सन से मिले हैं ये बंदा और आप कुछ लोग मुझे यहाँ पे कांटेक्ट में नजर आ रहे हैं कुछ लोग मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट में नजर आ रहे हैं जो नो no कांटेक्ट में है वो अपने पर्सन का बेहिसाब तरीके से इंतजार कर रहे हैं एंड जो लोग अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में है वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप और आगे बढ़े काफी समय से कुछ चीजों का इंतजार कर रहे हैं हो सकता है आप दोनों ही इस चीज का इंतजार करें कि कब आप दोनों फिजिकली इंटीमेट होंगे हम्म एंड इफ ये पर्सन आपके क्रश है मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है ये पर्सन आपके क्रश है तो अगर ये आपके क्रश है तो इनके मन में है कि आप इनसे आकर के सामने से कुछ बोलें <coughs> और अगर आपने इनको बोल दिया है और ये आपको अवॉइड कर रहे हैं तो दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप इनके थोड़ा थोड़ा और आगे पीछे घूमें क्योंकि एनर्जी ही कुछ इस तरीके की है इनको ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई भी नहीं है ठीक है या इनसे ज्यादा वैल्यूएबल आपके लिए या ऐसा कह लो कि इनके जितना आपके जो पर्सन है उनके थॉट्स बता रही हूं मैं आपको कि उनके जितना वैल्यूएबल उनके जितना अच्छा अट्रैक्टिव डिसेंट पॉजिटिव बंदा कोई नहीं मिल सकता आपको आपके पर्सन को अपने ऊपर बड़ा घमंड घमंड हो सकता है, हो सकता सच में वो ऐसी हो वी आर नॉट जजिंग एनी तो इन्वर्टेड कॉमर्स में वी आर नॉट जजिंग एनी वन <laughs> हम चेक जरूर करें <laughs> तो जी इनके मन में आपके लिए बहुत सारे तूफान मचे हुए हैं मतलब मैं ऐसा देख रही हूँ सुनामी काइंड ऑफ एनर्जीज है आपको फील करना चाहता है ये पर्सन जैसे कि आप यहां देख रहे हैं वर्ल्ड का कार्ड है हमारे पास है ना और ये मेरे को एम्प्रेस वाली वाइफ भी दे रहा है तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग मतलब बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मिलें आप दोनों की एक दूसरे से बातें हों और आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर करें चाहते तो है बहुत कुछ करना ना चेक करते हैं क्या चाहते हैं सीवी सोड्स अगेन दैट द सेम थिंग चाहते बहुत कुछ है करना ठीक है जो लड़कियां देख रही है ना वीडियो गर्ल्स यू आर टू लकी बिकॉज आपके जो पर्सन है वो बहुत रोमांटिक है ठीक है जो लड़कियां वीडियो देख रही हैं आई एम सींग जो लड़कियां ओके okay? और जो लड़के वीडियो देख रहे हैं आपको रोमांटिक बनने की जरूरत है जो लड़के वीडियो देख रहे हैं आपको थोड़ा रोमांटिक बनने की जरूरत है बिकॉज आपकी जो लेडी लक है वो बहुत कुछ चाहती हैं आपसे उनके मन में आपको लेकर के बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो वो बताती नहीं एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स ठीक है सी मैंने कहा ना बहुत कुछ चाहती हैं वो आपसे बेसिकली hmm, so हम बात करते हैं थोड़ा सा यहां से फिर आगे काज को देखते हैं अगर जो लड़कियां देख रही हैं एक चीज बता दू कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना आपको ढेर सारा प्यार करें ढेर <coughs> <coughs> सारा प्यार करें आपको किस करें आपको टच करें एक टच भी डिफरेंट होता है कई बार ऐसा होता है ना कि एक गंदा सा टच होता है एक अच्छा प्यारा टच होता है एक कंफर्टेबल टच होता है है ना बचपन में हम सब सीखते हैं रिगार्डिंग एवरी टच जब हमें सिखाया जाता है कि क्या गलत टच है और क्या सही टच है वही चीज आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ आप चाहते हो कि आपके जो भोले मंदू से बन के बैठे रहते हैं वो वो कुछ करें आपके साथ ठीक है जस्ट लाइक दिस पिक्चर कैन यू सी गाइस दिस पिक्चर देख पा रहे हैं आई होप आप लोग, रिफ्लेक्शन ना पड़ रहा हो लाइट का बस कि आप चाहते हो कि ये पर्सन ना आपको एडमायर करे आपको पैम्पर करे आपको ढेर सारी खुशियां दें ठीक है आपको उस तरीके से टच करें आपको कंफर्टेबल फील कराए कंफर्टेबल फील कराने के बाद आपको बहुत सारा प्यार करें आपको किस करें ठीक है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस पे पर्सन आपको किस करे आप ये चाहते हो और जो लड़के देख रहे हैं वो ये चाहते हैं उनको थोड़ा सा रोमांटिक बनने की जरूरत है एंड अगर आप ऑलरेडी रोमांटिक है तो थोड़ा सा शाइन नेचर छोड़िए और कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कीजिए बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स जल्दी लाना चाहिए आपके मन में है ना बहुत सारी इच्छाएं हैं अपने पर्सन को लेकर के लेकिन आप उन इच्छाओं को व्यक्त नहीं करते हो ये गलत चीज है ठीक है व्यक्त करो उनको हो सकता जो लड़के यहाँ पे देख रहे हैं आपको ऐसा फीलिंग आती हो कि व्यक्त तो बहुत कर दे करने की कोई वो दे जब ना <laughs> इजाजत इजा इजाजत परमिशन छोड़ो नहीं होगा उर्दू नहीं होगा उससे तो द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके मन में इनफैक्ट फीलिंग्स तो है जो है इनसिक्योरिटी भी बहुत सारी है हो सकता है आप में से जो बहुत सारे लोग हैं वो अनमैरिड हैं एंड अनमैरिड होकर के फिजिकली इंटीमेसी आप अलाउ नहीं करते हैं ठीक है ठीके? या आपके अपने देखो मैं किसी को यहाँ पे गलत या सही नहीं बोलूँगी या अपने अपने uh, अपनी अपनी सोच है <coughs> अच्छा लगता है कई लोगों को कई लोगों को नहीं लगता है सो hmm? सिंपल so, सी बात है यू गाइज वॉन्ट कि आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री हो वो स्ट्रांग हो ओके एंड द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो आप लोग चाहते हैं कि आपके पर्सन आए और आपको इस तरीके से हक करें आपको किस करें <coughs> लेकिन अभी हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होती है दुख होता है फ्रस्ट्रेशन होता है लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपके साथ कुछ इक्विपमेंट्स यूज करना चाहते हैं ठीक है कॉपुलेशन इक्विपमेंट्स यूज करना चाहते हैं या आपके साथ में काफी ज्यादा मतलब पैशनेट फीलिंग फील करना चाहते हैं पैशनेटली आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं दे हैव मेनी मोर काइंड ऑफ फिजिकल क्रेविंग्स फॉर यू बहुत सारी क्रेविंग्स है इनके मन में लेकिन क्रेविंग्स होने से ज्यादा इनके मन में ढेर सारा प्यार है आपके लिए ठीक है प्यार मैं बहुत देख रही हूं यहां पे मतलब बहुत बाउंड्रीज डेटिंग <coughs> हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को डेट तो कर रहे हैं लेकिन यहां तक अभी पहुंचे नहीं है क्या फिजिकली इंटीमेट हो सकें या आप हक कर सके किस कर सके एक दूसरे को अपना बुला सके क्योंकि हो सकता है या तो आपके पर्सन ने या फिर आपने एक तरीके की बाउंड्रीज अ कर रखी है ठीक है गार्डेड अप कर रखे हैं तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये गार्ड्स गिरे और वो आपके पास आए वो आपको हक करे वो आपको किस करें <coughs> लेट मी चेक मैसेजेस फॉर यू ये उनके सीक्रेट थॉट्स होंगे ओके लेट्स मेक तो ऑफ ऑफकोर्स वो आपके साथ में फिजिकल होना चाहते हैं इंटीमेट होना चाहते हैं ठीक है आई लव यू तो वो आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं

सी यू न्यू तो ये आपको न्यूड देखना चाहते हैं या आपको किस करना चाहते हैं या आपको हक करना चाहते हैं ओके एंड लेट मी चेक कि ये टाइमिंग्स कब तक के बैठेंगे ओके okay? कि पर्सन जब आपको इस तरीके से छू सकेगा ओके थ्री टाइमिंग कार्ड नेक्स्ट ट्वेंटी डेज में हो सकता है आप लोगों का प्लान बन जाए नेक्स्ट ट्वेंटी डेज में मिलने का क्रिसमस दिवाली मे जून अक्टूबर में ऐसा हो सकता है या तो क्रिसमस पे हो सकता है दिवाली पे हो सकता है क्रिसमस जा चुका है दिवाली आने वाली है और टाइमलेस वीडियो आप जब भी देख रहे हैं सैटरडे हो सकता है ये ये सब कुछ जब हो ये किसी तरीके का सैटरडे हो सकता है नवंबर या अक्टूबर में ठीक है तो पाई नंबर वन पीपल दे हैव द ब्यूटिफुल सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू दे जस्ट वॉन्ट टू किस यू दे जस्ट वॉन्ट टू हग यू वो आपको न्यूड देखना चाहते हैं वो आपको अपना बनाना चाहते हैं ठीक है सो फाइल नंबर वन पीपल दिस इज ऑल अबाउट टू डे इज रीडिंग फॉर यू गाइज आई होप आप लोगों से रेजुनेट हुई होगी हुई है तो लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आप लोग फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें बाय हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल तो यानी आप लोगों का जो पाइल है वो है पायल नंबर टू आप लोगों के पर्सन का बर्थडे है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तो ये है आप लोगों की रीडिंग मैं इस कार्ड को यहां रख रही हूं तो हम लोग कार्ड्स यहां से चेक इन करेंगे कार्ड्स निकालोगे मैं यहां से आप लोगों के लिए और सेक्सुअल डेक से भी देखेंगे आप लोगों के लिए कार्ड्स <coughs> लवर्स ऑरिकल से मैं आप लोगों के लिए Uh, वो भी निकालूंगी ब्लेसिंग्स भी निकालूंगी लेकिन वीडियो के एंड में निकालूंगी एकदम टोटली एंड में ठीक है एंड ये मेरे कुछ कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए मच एंड ये और रहे ठीक है उनकी फीलिंग्स जानेंगे हम एंड मेनी मोर तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के सीक्रेट फीलिंग्स जो वो बता नहीं पाते हैं फोर फोरोबॉन्स वैन है हमारे पास स्टार मैं कार्ड भूल जाती हूँ पता है फिर हमारे पास यहाँ पे ऑफ ऑफ एंड कमाल की बात है ना खूबसूरत वाली बात हो गई है तो आप दोनों के बीच में चाहे सब कुछ अच्छा चल रहा है चाहे सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ये बंदा कुछ नया चाहता है <coughs> <coughs> मेरा गला थोड़ा खराब है प्लीज बे विद मी दिस पर्सन wants समथिंग वेरी न्यू विद यू बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं बहुत कुछ बड़ा चाहते हैं ठीक है न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं न्यू होप्स चाहते हैं न्यू विक्ट्री चाहते हैं दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आपके साथ इनका ना खुशी खुशी वाला माहौल हो अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है तो फोर wants वॉन्ट्स ये पर्सन शादी चाहता है ठीक है एंड अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो ये पर्सन आपको लेकर ना कहीं दूर चले जाना चाहता है <coughs> सिंपल सी बात है ये आपको लेके भाग जाना चाहते हैं मुझे मतलब भागने वाली फीलिंग आ रही है जैसे कि भाग जाना चाहते हैं जैसे ये भाग जाएंगे आपको लेकर के इनसे जैसे चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हो जैसे कि इनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा हो या फिर ये संपन्न महसूस नहीं कर रहे या फिर इनको पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है सीक्रेटली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है नंबर पीपल आई एम गेटिंग दैट पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है इसके मन में आपके लिए एक चीज ये चल रही है कि आप इसको छोड़ के ना चले जाओ ठीक है सीक्रेटली ये आपको कभी बताएगा नहीं कि इसके मन में इनसिक्योरिटी है लेकिन एक्चुअली इसके मन में इनसिक्योरिटी है इसको ऐसा लगता है कहीं आप इस बंदे को ना छोड़ के ना चले जाओ हम्म hmm. कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप किसी और के साथ हो जाओ और ये बेचारा बैठा रह जाए आपसे शादी करना चाहते हैं न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं कुछ प्लान करना चाहते हैं फ्यूचर चाह रहे हैं फ्यूचर देख रहे हैं अभी तो मुझे कोई हाँ सी अगेन टेम्परेंस और हमारे पास आया फोर क्या बात है यार फोर ऑफ बॉर्न फोर ऑफ बॉन्स ये पर्सन शादी के बाद आप आपको लेकर के ना कहीं दूर चले जाना चाहता है हो सकता है किसी तरीके की हनीमून ट्रिप पे और हम्म hmm. यस yes. किसी तरीके के हनीमून ट्रिप पे या फिर अगर आप लोग जहां पे भी रह रहे हैं जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री से दूर जाना चाहता है ठीक है ऐसी जगह पे जहां पर ये आपके साथ मतलब खुल्लम खुल्ला रह सके खुश रह सके खुल्लम खुल्ला आपको प्यार कर सके सी यहां पे भी थ्रोन्स बुशेज और काफी सारे आपको दिख रहे होंगे ट्रीज एंड ऑल मतलब जैसे पेड़ पेड़ का जैसा एरिया और यहां पे भी पेड़ का जैसा एरिया सो दिस पर्सन वॉन्ट्स कि ये आपके साथ ना किसी ऐसी जगह पे चला जाए जहां पर देख करके ना इसको कोई ऐसा ना बोले हो तो उसका लड़का है हाय राम ये तो उसकी लड़की है <laughs> ऐसा कुछ ना हो आप दोनों एक दूसरे के साथ आराम से एंजॉय कर सके वीकेंड्स आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत संपन्नता से रह सके दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यहाँ पे भी देख लो यहाँ पे भी देख लो हर तरफ पेड़ पौधों वाला माहौल है मतलब ये है ना आपके साथ में टाइम बिताना चाहते हैं आपको पैशनेटली किस करना चाहता है ये पर्सन आपको हक करना चाहता है ठीक है ही जस्ट वॉन्ट और शी जस्ट वॉन्ट कि आप अगर लड़के देख रहे हैं तो मैं बता दूं योर गर्ल जस्ट वॉन्ट यू टू किस हर और जो लड़, लड़कियां देख रही हैं वो आपको मैं बता दूं कि आप लोग ऐसा चाहती हो कि आपके पर्सन कोई मूव ले और वो आपको किस करें हुँ? मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है इस नाइट ऑफ वॉन्स के कार्ड को देख के कि काफी पैशनेटली वो आपके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहते हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके की बाउंड्रीज ना हो वो आपको पकड़ सकें वो आपको किस कर सकें वो आपको टच कर सकें किसी तरीके की कोई लिमिट ना हो कि आप यहाँ नहीं छू सकते हो ये नहीं कर सकते हो वो नहीं कर सकते ऐसी चीजें नहीं एंड विद दिस फाइव ऑफ कप्स कार्ड उन्हें ऐसी फीलिंग आती है एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी आती है कि ऐसा कभी हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा बिकॉज हो सकता है कि अभी आप लोग रिचुअल से या फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी से भरे हुए हूँ दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप और ये एक दूसरे के साथ हमेशा एटर्निटी लाइक like एक पूरा काफी समय तक रह सके खूबसूरती के साथ आगे बढ़ सके ओके तो सेक्सुअली दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू बी देयर फॉर देम एज ऑलवेज ठीक है आप हमेशा इनके साथ रहें हमेशा हमेशा ताकि आपके बालों से खेल सकें या आपको पकड़ सके ठीक है हो सकता है कि इस पर्सन को ना आपकी आंखें बहुत पसंद हो या फिर इस पर्सन को आपकी कमर बहुत पसंद हो ठीक है तो यस दे वॉन्ट समथिंग वेरी पैशनेट मे बी इस पर्सन को आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने बहुत ही ज्यादा पैशनेटली ठीक है और सो वी हैव द सेक्रेट वुमेन एंड वी हैव द सिल्वर फॉल तो अगेन द सेम थिंग अगेन पेड़ पौधों वाला इलाका भाई ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ ये कहीं दूर की ट्रिप बनाए और कहीं दूर जाए और वेकेशन एंजॉय करके आए बहुत खूबसूरती के साथ हम्म hmm. या फिर ये पर्सन आपसे शादी कर ले और ये आपको कहीं भी ले जा सके ला सके और इसको कोई भी दुखी ना करे फालतू में और कोई डिस्टर्ब ना करे आप दोनों को आप दोनों जैसे चाहे वैसे एक दूसरे को खूबसूरती से टच कर सके ठीक है पॉजिटिवली एक दूसरे को होल्ड कर सके दिस पर्सन रियली वांट दिस इनकी मन में है ये इच्छाएं ठीक है इनका मन इनको बार बर, बार 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 इस चीज के लिए बोलता है लेट मी चेक इनके कुछ मैसेजेस हो सकता है कि आप एक बहुत ही प्रभावशाली पर्सन है आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत यकीन करते हैं लेकिन आप अपने पर्सन को भी बहुत सारा प्यार करते हैं सो किस इज ऑन योर लेग्स फर्स्ट सीक्रेट फीलिंग जो वो चाहते हैं यू आर गेटिंग सेक्सियर डे बाय डे तो उनको ऐसा लगता है आप बहुत ज्यादा सेक्सी होते जा रहे हैं दिन पे दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं सो वी आर मीटिंग मिलना चाहता है ये बंदा ठीक है आई लव द वे यू लुक एट मी तो इनको बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप इनकी तरफ देखते हैं या आपको बहुत अच्छा लगता है देन आई कैन आई कांट इनफ ऑफ यू ये आपसे कभी मन नहीं भर पाता इनका बेस्ट पार्ट इज योअर नेक प्यास हो तुम कब भुजेगी एंड वन आर बॉडी तो ये आपकी ये जो बॉडी है ये उसको फील करना चाहते हैं ये आपको किस करना चाहते हैं आपको हक करना चाहते हैं यानी आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं हो सकता है एक अरसे से इन्होंने आपके साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है नाउ लेट मी चेक ऐसा मोमेंट कब बनेगा आप दोनों की जिंदगी में सो नेक्स्ट फाइव डेज सीरियसली ऐसा हो सकता है कोविड का टाइम है uh, मैं एक कार्ड निकालूंगी इसके लिए ठीक है टेंशन नहीं लो मैं अच्छे से रीडिंग करूंगी ट्वेल्व डेज सिक्सटीन वीक्स जनवरी या फिर अप्रैल भाई हो भी सकता है जनवरी का टाइम आ रहा है ठीक है जनवरी का महीना चल रहा है और आप जब भी देख रहे हैं टाइमलेस रीडिंग है तो बारह दिन या फिर सोलह वीक के अंदर अंदर सोलह सप्ताह के अंदर अंदर एंड नेक्स्ट डे अरे यार बहुत फास्ट कार्ड है आप लोगों के लेट मी चेक कहीं से निकालती हूँ आप लोगों के लिए प्लीज एंजल्स बताएं इतने फास्ट जो कार्ड आ रहे हैं प्लीज रोमांस एंजल्स बताएं इतने फास्ट कार्ड जो आ रहे हैं ये कुछ तो जल्दी हो सकता है बहुत अरे हाँ यार सेवन ऑफ बॉइस का कार्ड है ये पर्सन प्लान कर रहा है किसी चीज का ओके चाहे आप लोगों के बीच जो कुछ भी चल रहा है ये प्लान कर रहे हैं ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो ये पर्सन आपको मनाने के लिए आए हम्म मनाने के लिए आए और आप लोग कहीं जाएं और आप दोनों के बीच में सारे मोमेंट्स क्रिएट हों ऐसा भी हो सकता है ठीक है या फिर आप दोनों के बीच सब कुछ चल रहा है तो आप कुछ छोटा मोटा ट्रिप प्लान कर लें या फिर आप दोनों एक दूसरे से मिल लें कि पता नहीं आगे और कोविड की कंडीशन भर ना जाए तो हम लोग एक बार मिल लेते हैं तो ऐसे सीनारियोज आप लोगों के बीच में होने वाले हैं तो दिस पर्सन रियली लव्स यू सीक्रेटली एडमायर करते हैं आपको बहुत ज्यादा और आपको किस करना चाहते हैं तह दिल से ओके सो दिस इज ऑल अबाउट इट इज रीडिंग पायल नंबर टू पीपल आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी जाइएगा मत लास्ट में देखिएगा जरूर आप लोगों के लिए गाइडेंस ठीक है फ्रॉम द लवर्स ऑर हाय तो आप लोगों के लिए एडवाइजेज है अब से मैंने सोचा है कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एडवाइस दिया करूंगी ठीक है तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइजेज आती है तो पाइल नंबर वन पीपल आप लोगों के लिए एडवाइस देख रही हूँ पहले मैं इनको साइड में कर देती हूँ ओके सो सीक्रेट फीलिंग जानी थी हमने पाइल नंबर वन वालों की ओके okay. फ्रीडम देर इज नथिंग स्टॉपिंग यू द पाथ इज क्लियर इफ यू वॉन्ट इट टू बी बड़े खूबसूरत कार्ड है मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कोई भी स्टॉप नहीं कर रहा है वो बहुत जल्दी मूव लेंगे एंड सीक्रेट फीलिंग्स रियल हो जाएंगी टाइम यू आर ट्राइंग टू हार्ड गिव इट टाइम तो आप लोगों के लिए दो चीजें आई हैं पहली चीज ये आई है पायल नंबर वन पीपल की आप ना चीजों को समय दें ज्यादा ट्राई ना करें आप शांत हो जाए स्टेबल हो जाए इस पर्सन को बहुत जल्दी फ्रीडम मिलने वाली है और ये पर्सन आपके पास इस एनर्जी में आने वाला है ठीक है जिस एनर्जी में आपकी रीडिंग आई थी ओके नाउ लेट मी चेक फॉर द पाइल नंबर टू पैशन अ मैग्नेटिंग एंड सीडेक्टिव क्वालिटी सराउंड यू एट प्रेजेंट इट तो मैंने आपको पाइल नंबर टू अभी बताया था कि बहुत जल्दी आपके पर्सन जो है कोई एक्शन लेने वाले हैं एंड आप दोनों के बीच में लव रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली बिल्टअअप होने वाला है एंड वी हैव सेक्रेड यूनियन बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप के अंदर पॉजिटिवली यूनियन होने को है ये सेक्सुअल यूनियन भी हो सकता है ये सैक्रेड यूनियन भी हो सकता है एंड ये किसी तरीके का पॉजिटिव यूनियन भी हो सकता है जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो ये है आप लोगों के लिए एडवाइजेस सो जस्ट गो फ्लो के एनर्जी में रहिए पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू दिस इज ऑल अबाउट अबाउट टू डेज रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी सीक्रेट फीलिंग्स आई है तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सन पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें अपना अपना ध्यान रखें